सरकटा अपने चेनसॉ मशीन चलाते चलाते घर की ओर आ रहा है। अब गुल्ली शॉन और झांडू अंकल को क्या होगा। इधर शॉन खटिया के नीचे सूप जाते हैं ताकि सरकटा उसे पकड़ ना पाए, और गुल्ली जुगर के सहारे घर के ऊपर चढ़ गए और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी भी है। अंकल नीचे एक झोपड़ी में सूख गए। गुल्ली अंकल को ऊपर आने के लिए बोला था, लेकिन अंकल बोला कि उसे बहुत थकान हो रहा है, इसलिए अंकल नीचे सूख गए। इधर सरकटा आगे आके वो तीनों को ढूंढ रहे थे। अभी शॉन को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि शॉन के किसी भी हरकतें उसके सर के लिए खतरा बन सकता है। अरे ये क्या, शॉन तो एक धमाकेदार पटाखा छोड़ दिया है। लगता है शॉन आज सरकटा के पास अपने गर्दन खो देगा। सरकटा को पता चल जाते हैं कि कोई तो है जो उसके आसपास है। तभी सरकटा वो खटिया के चक्कर लगाने लगा। कुछ देर टहलने के बाद सरकटा वो खटिया के ऊपर बैठ जाते हैं। लगता है सरकटा भी आज रात यहाँ पे बिताएगा। उधर अंकल को मच्छर से काट रहे थे, क्योंकि वो एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। तभी अंकल मच्छर से गुस्सा हो जाते हैं और अपने हाथों से मच्छर मारने लगते हैं। मच्छर मारने की आवाज से सरकटा अलर्ट हो जाते हैं और वो खाटिया से उठ के अंकल की ओर जाने लगा। लगता है आप झांटू अंकल के गर्दन उड़ा देगा सरकटा। तभी गुल्ली ऊपर से अंकल को आवाज दिया और बोला, अंकल आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि सरकटा आपके और ही जा रहा है। इधर अंकल मच्छर मारने में लगा हुआ है, इसीलिए गुल्ली के बातें उसके कानों तक नहीं पहुंच पाया। अभी गुल्ली को कुछ करना होगा, नहीं तो सरकटा अंकल को मार देंगे। तभी गुल्ली शॉन को आवाज दिया और बोला कि शॉन तुम ऐसा कुछ करो ताकि सरकटा की ध्यान भटक जाए। शॉन गुल्ली के बात मान लेते हैं और वो खाटिया के नीचे से बाहर आने लगा। शॉन खाटिया के नीचे से बाहर आने के बाद जोर जोर से आवाज करके रास्ते की ओर जाने लगा ताकि सरकटा उसके ओर आ जाए। तभी सरकटा रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के शॉन की ओर जाने लगते हैं। लगता है इस बार अंकल बच गए, लेकिन शॉन को क्या होगा। गुल्ली ऊपर से शॉन को बोलता है, तुम अब अंकल के पास जाओ और उनको लेके घर के ऊपर आ जाओ ताकि सरकटा हमें पकड़ ना पाए। तभी शॉन रास्ते से घूमकर अंकल के पास जाने लगा। इधर सरकटा अपने सेंस ऑफ मशीन चलाते चलाते आगे बढ़ रहे। शॉन अंकल के पास पहुंचने के बाद अंकल को कहा, अंकल आप मेरे साथ आ जाओ, सरकटा इधर ही आ रहा है। तभी अंकल कहा, ठीक है जा रहा हूँ, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। शॉन घर के ऊपर जाने के लिए आगे जाने लगा और अंकल भी उठता है और आगे जाने लगते है। अभी इन लोगों को फौरन ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो सरकटा ये दोनों की गर्दन उड़ा देगा। इधर सरकटा अंकल के करीब आ चुके हैं, तभी अंकल जोर जोर से जाने लगा। शॉन वो जुगर के पास पहुंच जाते हैं और वो जुगर के सहारे ऊपर उठ जाते हैं। अब अंकल की बारी है, तभी अंकल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगा। अंकल को फौरन ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अरे ये किया, सरकटा तो अंकल के पास आ गए हैं, अब क्या होगा। गुल्ली कहा, अंकल आप मेरे हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। अंकल के एक हाथ और एक पैर ऊपर और दूसरी हाथ और पैर नीचे। तभी सरकटा अपने सेंस ऑफ मशीन से वो जुगर आदमी समझकर काट देते हैं, और इससे जुगर के साथ साथ अंकल के नीचे वाली पैर भी काट जाते हैं और अंकल वो जुगर के साथ झूलते रहते हैं। गुल्ली अंकल को ऊपर खींचने लगा, लेकिन अंकल ऊपर नहीं उठ पा रहा था, और फिर अंकल वो जुगर के साथ नीचे गिर जाते हैं। अब अंकल को क्या होगा,
ये देखेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में।